हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। इवनिंग का टाइम है और यहाँ पर इवनिंग के खाने की हो रही है तैयारी। तो खाने में मैं बना रही हूँ आज आलू और टमाटर की सब्जी। बॉईल कर लिए थे आलू, तो अच्छी लगती है बॉईल करने के बाद, ज़्यादा अच्छी लगती है सब्ज़ी। और अनुष्का को तो बहुत ज़्यादा पसंद है आलू टमाटर की सब्ज़ी। मुझे तो लगभग कम पसंद है, लेकिन इसको काफ़ी पसंद है। और मैंने टमाटर ना कद्दूकस कर लिए थे, अच्छे लगते हैं इस तरह से, तो मैंने वो कद्दूकस किए। और पहले इसमें लहसुन प्याज जीरा ये सब डाल करके अच्छे से भून लिया, उसके बाद टमाटर डाल दिए। और टमाटर भी देखिए कितना अच्छा सा कलर हो गया है तैयार, ग्रेवी बन करके तैयार हो गई है अच्छे से पक करके। और अभी मैंने इसमें ना आलू डाल दिए हैं और अभी इनको आपस में अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर मैं इसमें डाल दूँगी पानी, क्योंकि शाम का टाइम है, थोड़ी सी पतली ही सब्ज़ी अच्छी लगती है। और अभी ये हो गया ही है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और बर्तन आप देख सकते हो कितने ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि अभी खाना वगैरह बनाया है, चाय दूध सबके बर्तन हैं, तो इस तरह से कुछ इकट्ठे हो गए हैं बर्तन। और अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि किचन ना किस तरह से फैली हुई है। कुछ इसमें बर्तन थे मैंने रख दिए हैं, स्टैंड पर लगा दिए हैं, कुछ थोड़े से और रह गए हैं तो इनको भी लगा देती हूँ अभी यहाँ पर। पहले बर्तन टोकरे में से ना खाली करने पड़ेंगे, उसके बाद ही फिर इसमें बर्तन जो साफ़ होंगे वो रखे जाएंगे। तो जो बर्तन थे वो मैंने लगा दिए हैं और इधर मैंने रख दिया है दूध बॉईल करने के लिए। दूध भी बॉईल हो जाएगा और मैं यहाँ पर कर रही हूँ, तब तक बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, तब तक ये दूध ना बॉईल हो जाएगा अच्छे से। और इसका भी ध्यान रखूँगी और अपना काम भी करती रहूँगी, तो दोनों काम अच्छे से हो जाएंगे। अभी यहाँ पर फटाफट से ना बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सिंक पूरी भरी हुई है, बर्तन काफ़ी इकट्ठे हो गए हैं, तो फटाफट से इन सबको साफ़ कर लेते हैं। और जब ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना, तो फिर सिंक में आते भी नहीं हैं। और बड़े बड़े बर्तन तो ऐसे होते हैं कि चार या पांच बर्तन रख दो पूरी सिंक भर जाएगी, लेकिन छोटे छोटे बर्तन ना बहुत आ जाते हैं। और मुझे ना सबसे ज़्यादा आलस जो आता है ना, वो कुकर को साफ़ करने में आता है। सच बताओ ना, मुझे उससे बहुत आलस आता है। और छोटे बर्तन तो चाहे मुझसे जितने साफ़ करवा लो, मुझे बिल्कुल भी वो नहीं होगा। लेकिन कुकर वगैरह को ना कढ़ाई भी कर लेती हूँ, कुकर से ही पता नहीं कि बहुत वो आता है आलस। मैं सोच रही हूँ छोटा कुकर लेने का, मैंने शायद पहले भी कई बार बोला है, लेकिन अभी ले ही नहीं पा रही हूँ। कुछ ना, हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है। हम कितना ही सोचते रहें लेकिन जो चीज़ जिस टाइम पर होनी है ना, वो उसी टाइम पर होगी। तो अभी लगभग लगता है कि टाइम नहीं आया है। सोच मैं काफ़ी दिनों से रही हूँ, पर लेना है मुझे, क्योंकि ये कुकर ना काफ़ी बड़ा रहता है हमारी फैमिली के हिसाब से। थोड़ी सी दाल बनती है, बस मैं दाल ही बनाती हूँ, सब्ज़ी तो मैं ना कुकर में कभी नहीं बनाती। कुकर में मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई है कभी भी, मैं सिर्फ दाल बॉईल करती हूँ, चावल बॉईल करती हूँ, सिर्फ इतना ही काम करती हूँ कुकर में। जैसे कि सब्ज़ी वगैरह भी बना लेते हैं, वो शायद आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं कुकर में सब्ज़ी बना रही हूँ, कभी नहीं। तो दाल हाँ बॉईल करती हूँ और चावल बॉईल करती हूँ, या जैसे कि आलू बॉईल करने, जो बॉईल करने वाली चीज़ें हैं वो मैं करती हूँ। तो वैसे मैं नहीं तड़का वगैरह लगाती हूँ इसमें। मुझे ना कढ़ाई की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है और कढ़ाई की सब्ज़ी अच्छी भी बनती है, बढ़िया बनती है इसलिए। तो अभी यहाँ पर मैंने बर्तन ना साफ़ कर दिए हैं, जो बर्तन थे किचन को ही साफ़ किया है पहले, बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं। और उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर, यहाँ पर आ गई हूँ। जो पानी था ना, जो रखा हुआ था बाल्टी में, वो मैंने उससे यहाँ पर बहुत गंदा सा हो रखा था, वहाँ पर मैंने डाल दिया है पानी को, जिससे कि ये साफ़ हो जाए। और बाल्टी को भी अच्छे से धुल करके साफ़ करके मैं अभी रख दूँगी इसको भी, क्योंकि पानी भरा हुआ था तो मुझे ना बार बार मुझे वो देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने सोचा कि चलो पहले इसको ही ना साफ़ करते हैं, और वैसे ही मुझे यहाँ पर पानी डालना है, धुलना है, साफ़ करना है, तो मैंने कहा चलो उधर ही डाल लेते हैं, फिर मुझे वहाँ से लेकर के पानी कम डालना पड़ेगा, इसलिए अभी यहाँ पर ना मैं धुल रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर धुलना है। और बरसात वगैरह से ना पत्ते वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो सब साफ़ की हैं मैंने। और अभी यहाँ से इसको झाड़ लूँगी, साफ़ कर लूँगी, जो ये दीवार है हमारी इसको भी साफ़ करूँगी, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा हो जाता है गंदा गंदा सा, इसलिए।
तो अभी यहाँ पर ये साफ़ सफाई कर दी है मैंने इधर की, और मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पर मैंने सब्जी निकाल ली है, मूली निकाल ली है, और आज मैं सोच रही हूँ मूली की भुर्जी बनाने का। मुझे ना भुर्जी बहुत पसंद है, चाहे वो मूली की हो या सलगम की हो। सलगम की वैसे बहुत अच्छी लगती है, पर सलगम तो है नहीं, पर हाँ मूली तो मूली के पत्ते से ही बना लेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं ये कट करूँगी, जो ये पत्ते हैं इनको कट करूँगी, फिर मूली को कट करूँगी, फिर इनको धुलूँगी, अच्छे से साफ़ करूँगी कि मिट्टी वगैरह इन पर लगी रहती है। 5-6 बार अच्छे से साफ़ करूँगी जब तक कि पूरी जो मिट्टी वगैरह है इनकी निकल ना जाए। और थोड़ी सी ही भुर्जी बनेगी ना, तो फिर मैंने सोचा कि दराज से क्या कट करना, चाकू से ही कट कर लेती हूँ। तो मैं चाकू से ही कट कर रही हूँ। पहले हम छोटे छोटे थे तो हमारी मम्मी बनाया करती थी सलजम की भुर्जी। सच बताऊँ इतनी टेस्टी भुर्जी लगती थी, ऐसी भुर्जी तो ना मिलती ही नहीं है, ना हमसे बनती है, क्योंकि माँ के हाथों का स्वाद जो होता है ना, वो एक अलग ही होता है। और मम्मी आज भी ना अगर सब्ज़ी बना दें तो हमारे से तो बहुत अच्छी बनाती हैं, क्योंकि पता नहीं ना ही नमक कम रहेगा ना ही ज़्यादा रहेगा, उनको पता नहीं कितना अंदाज हो जाता है। ये हकीकत है, हम चाहे कितने दिनों से खाना बना रहे हैं लेकिन अभी हम उनके जैसा खाना नहीं बना पाते हैं, एक अलग ही स्वाद होता है ना। तो बहुत अच्छी लगती है भुर्जी भी, इसमें लहसुन का तड़का लगाओ तो बहुत अच्छा लगता है। लहसुन है मेरे पास और मैं लहसुन का ही तड़का लगाऊंगी। पहले तो मैं इसको अच्छे से बॉईल करूंगी, कुकर में रख दूंगी और ये बॉईल हो जाएगा। और मैं इसमें मूली भी डालूंगी, आलू वगैरह नहीं डालती हूँ। सच बताऊँ ना, जैसे मूली है या फिर शलजम है, उनके पत्तों में आलू वगैरह डालना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है वो वाली भुर्जी। अगर मूली की भुर्जी बन रही है तो फिर उसमें मूली ही डालनी चाहिए, मुझे आलू वगैरह डाल करके ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए ये मूली मैंने छीली और ये ना बेकार निकली है, काली है अंदर से, तो मैंने जो ऊपर ऊपर से डाल सकती थी ना वो ले ली है, और जो अंदर की थी बीच में थी वो मैंने छोड़ दी है, वो मैंने नहीं डाली है। और अभी यहाँ पर मैं इसको कट कर दूँगी अच्छे से मूली को, और कट करने के बाद फिर मैं इसको रखूँगी बॉईल करने के लिए। कुछ ही इसमें से मूली ना मैं सिरके में भी डाल दूँगी, क्योंकि सिरके में ना हमारी मूलियाँ ख़त्म हो रही हैं, और सिरके की मूली मिर्च बहुत अच्छी लगती है खाने में, दाल वगैरह के साथ अगर खाते हैं ना तो और भी ज़्यादा टेस्ट आता है। और जैसे मिर्च और मूली का अचार डालते हैं वो भी अच्छा लगता है, जो मोटी वाली मिर्च होती हैं उनका, लेकिन मिर्चों का अचार ना बस जल्दी से ही ख़त्म हो जाए, जब वो ज़्यादा गल जाती है ना फिर वो मिर्च अच्छी नहीं लगती, जो ताज़ा ताज़ा सी होती है ना, मुझे तो वो ही पसंद है। बाकी देखो अपनी अपनी सबकी पसंद होती है, ज़रूरी नहीं है कि मुझे इस तरह से पसंद है तो सबको इसी तरह से पसंद हो, ये कोई बात नहीं होती। सबका खाने का तरीका, रहने का तरीका, सब चीज़ का अपना एक अलग तरीका होता है ना, सबका अलग अलग होता है। ऐसा तो है नहीं कि जो हमको पसंद है, घर में भी हम सब रहते हैं तो एक जैसी पसंद नहीं होती है सभी की। मुझे कुछ चीज़ पसंद है, अनुष्का के पापा जी को कोई चीज़ पसंद है, अनुष्का को कोई चीज़ पसंद है, तो सबकी अपनी एक अलग वो होती है। जैसे कि अब मैं भुर्जी बनाऊंगी, मुझे लगता है कि अनुष्का शायद कम खाती है, मुझे ज़्यादा तो साग का तो मुझे पता है इसका कि ये साग नहीं खाती है, लेकिन भुर्जी का मुझे ज़्यादा पता नहीं है, वो अब आज पता चलेगा। और अब तो चल भी गया था, खा ली थी उसने, लेकिन थोड़ी खाए मतलब ठीक ठाक खा ली थी, वैसे भी वो ज़्यादा नहीं खाती है, तो शायद मुझे लगता है कि उसको भुर्जी ना पसंद आई थी। और मट्ठा हो इसके साथ में, रोटियां हो और भुर्जी हो, बहुत टेस्टी लगती है बहुत ज़्यादा। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ इधर लेकर के, इस बाल्टी में मैंने पानी भर लिया है, और ये टंकी भी ना आज मैंने उसका पापा जी से सही कराई थी, क्योंकि इसमें से ना पानी बहुत कम आ रहा था, और जब ज़्यादा ही कम पानी आता है ना तो काम करने में फिर मन नहीं लगता है। तो मैंने उनसे बोला था कि इस टंकी को ना आप साफ़ कर सही कर दो, तो उन्होंने सही कर दी है टंकी। और सही करने के बाद फिर मैंने इस यहाँ पर इसको मूली को ना धुलना शुरू कर दिया है। मैं नीचे की तरफ देख रही थी, शायद कोई आया था जिनको मैं देख रही थी बार बार, तो अभी यहाँ पर मैंने इनको धुल लिया है इसको, और इसमें से पानी निकालूंगी, कि इसमें ना अभी मूली के जो डंठल होते हैं ना जो अच्छे लगते हैं भुर्जी में, वो हैं इसमें, तो मैं सोच रही हूँ कि वो पानी के साथ ना बहें। और मैं छलनी लेकर नहीं आई, और वैसे भी ना मुझे पूरा पानी इसमें नहीं डालना था, क्योंकि नीचे ना मिट्टी वगैरह रह जाती है, तो वो मुझे पानी इसमें नहीं डालना था, क्योंकि अभी धुला है, ऊपर से उसको डाल दूँ तो वो पूरी मिट्टी इसी में आ जाएगी,
तो मैं इस पानी को तो ऐसे नीचे ही डालूंगी और वैसे ना उसको उनको निकाल लूँगी जो डंठल है। अच्छे से फिर बाल्टी को धुला और इसमें पानी भरना शुरू कर दिया है। फिर इसमें मूली के पत्ते वगैरह सब कुछ डाल दिए हैं और फिर इनको धुलना शुरू किया। ऐसे ही मैंने कम से कम 5 से 6 बार इसको धुला था, जब जा कर के ना ये अच्छे से साफ़ मैंने की थी। तो अच्छे से साफ़ ये हो गई है और अभी मैं लगाने लगी हूँ यहाँ पर झाड़ू। अभी झाड़ू लगाऊंगी और गर्मी आप देख सकते हो, बरसात हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हुई है, जिसको बोलते हैं ना अच्छी खासी बरसात, वो वाली बरसात हमारे यहाँ पर हुई है। लेकिन गर्मी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, पता नहीं क्यों। अब भी जैसे ही ना बरसात बंद होती ना, गर्मी उतनी ही हो जाती है। होता है ना इस महीने में ना गर्मी होती है, इस गर्मी में ना बहुत बेकार वाली, इस महीने में बहुत बेकार वाली ना गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। तो वो ही गर्मी अभी पड़ रही है और अभी तो ना पूरा ही महीना पड़ा हुआ है, ये अभी तो शुरुआत ही हुई है। तो अभी तो इस महीने में तो गर्मी रहेगी रहेगी, लेकिन बाकी आगे जो मौसम आएगा ना वो बहुत अच्छा आता है। ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, और सच बताऊँ ना ऐसा मन होता है कि सिर्फ ऐसा ही मौसम चलता रहे, क्योंकि ज़्यादा तो हर चीज़ परेशान कर देती है। ज़्यादा तो चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, ज़्यादा तो सभी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो अब क्या होगा कि धीरे धीरे मौसम चेंज होगा और फिर आएगी बहुत तेज़ वाली सर्दी। सच बताऊँ ना ज़्यादा सर्दी में भी काम करने का मन नहीं करता है, बिस्तर से निकलने का ही मन नहीं करता है, कंबल को छोड़ने का मन नहीं करता है ना। तो ज़्यादा तो नहीं अच्छी लगती है, लेकिन हाँ पर ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, मौसम का अपने हाथ में तो वो कुछ भी नहीं होता, जैसा भगवान जी करेंगे वैसा हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर मैंने पूरे घर में ना झाड़ू लगा दी है और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, किचन की झाड़ू रह गई थी बस, बाकी की मैंने झाड़ू लगा दी है। तो अभी इस कचरे को लेकर के जाऊंगी बाहर की साइड डालूंगी। मैंने सोचा आज ही डस्टबिन साफ़ किया, अभी से क्यों भरना है इसको, अभी मैं बाहर डाल देती हूँ। तो बाहर डाल करके आ गई हूँ और अभी यहाँ पर मैं करूँगी किचन की साफ़ सफ़ाई, जो किचन है उसकी साफ़ सफ़ाई चलेगी। बाकी की तो ना झाड़ू वगैरह लग गई है, डस्टिंग भी हो गई है घर की, ये सारे काम हो गए हैं और फिर बारी आती है। वैसे तो ना कभी मैं पहले भी कर देती हूँ, ज़रूरी नहीं है मैं झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ही किचन को साफ़ करती हूँ, पहले भी करती हूँ। और ज़्यादातर मुझे लगता है कि मैं पहले ही करती हूँ, बाद में तो ना कभी कभी करती हूँ। कभी मेरा मन हो गया कि चलो झाड़ू लगाते हैं पहले, तो उसके बाद कभी मन होता है तब, बाकी तो पहले वो ही होता है, क्या बोलते हैं, किचन ही साफ़ होती है। तो अभी मैं इधर आ गई हूँ, यहाँ पर पता नहीं मैं कुछ कर रही हूँ, शायद बोतल वगैरह मांझ रही हूँ, उनको भर के रखूँगी बोतल को। तो क्योंकि ना बोतल भी ना सुबह में मैं मांझती हूँ तभी मैं बोतल भरती हूँ, ऐसा नहीं है कि ली और बोतल भर दी, है ना। वैसे तो सभी अच्छे से करते हैं, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ। तो अभी मैंने बोतल को मांझ लिया है, साफ़ कर लिया है और अभी मैं इसमें पानी भर के और फ्रिज में रख दूँगी। कभी कभी क्या होता है ना कि जो हमारी दही होती है ना उसमें भी हमें ठंडा पानी डालने की ज़रूरत पड़ जाती है मट्ठा चलाने के लिए, तो इसलिए कभी कभी तो ऐसा होता है कि पानी नहीं रखा हुआ हो तो बड़ा गुस्सा आता है अपने आप पर। तो एक आधा बोतल तो मैं इस तरह से रखती हूँ कि कभी भी अगर इमरजेंसी मुझे हो तो मैं ले लूँ। अभी इधर मैं बैठ गई हूँ, यहाँ पर ना बहुत सामान फैला हुआ था किचन का, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको भी ना थोड़ा सा सही कर लेते हैं, क्योंकि कुछ भी निकालते हैं तो गिरते हैं डब्बे, और ये डब्बे ना जैसे अनुष्का के पापा जी सब्जी वगैरह कभी खाना लाते हैं बाहर से तो उसके इकट्ठे हो गए हैं, और मैंने ये ना फेंके नहीं थे, वरना तो ये एक भी नहीं दिखता। मैंने कहा कुछ ना कुछ सामान इसमें भी रख ही लेते हैं, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पर रख लिया था। तो अभी यहाँ पर मैं सभी सामान जो भी हैं उनको अच्छे से सेट करूँगी। पोलोथीन वगैरह हैं जो मैं डस्टबिन के लिए ना इनको रखती हूँ, क्योंकि डस्टबिन में लगाने के बहुत अच्छे से काम आती हैं। फिर डस्टबिन ना हमारी इतनी गंदी नहीं होती है, वरना डस्टबिन ना बहुत गंदी हो जाती है। तो इसलिए अभी यहाँ पर कुछ सामान इधर की साइड में रख दिया है, जो ज़्यादा फैला हुआ था ना उधर, वो मैंने इधर की साइड में रख दिया है। और अभी यहाँ पर इसको कर दूँगी बंद और इधर से भी थोड़ा सा संगवा दूँगी जो ये इधर वाली साइड है। और इसमें पता नहीं क्या रखा हुआ था, हाँ इसमें रखी हुई थी मिश्री, और मेरा मन हुआ मीठा खाने का तो मैंने इसमें से मिश्री ही ले ली थोड़ी सी, मेरा मन हो रहा था कि चलो खाते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ इधर,
और अभी यहाँ पर ना मैं लगाऊंगी कपड़े। आज मैंने मशीन को ना अंदर ही कर लिया है और कपड़े मुझे लगाने थे तो सोचा कि चलो अंदर ही रहने देते हैं। अच्छा लगता है, अंदर भी सही रहता है, पर थोड़ा सा ये रहता है कि ज़्यादा पानी का वो रहता है और हवा भी अच्छे से नहीं लग पाती है मशीन को, तो मैं इसलिए ना मशीन को बाहर कर देती हूँ जिससे कि अच्छे से हवा लग जाए। और क्योंकि हवा और धूप दोनों ही लगनी ज़रूरी है, वरना ना चीज़ें बेकार हो जाती हैं। अगर अंदर रख दो, पानी से मैं रखी रहें तो वो तो वैसे भी ना बेकार हो जाएंगी, तो इसलिए सोचा कि ना अंदर कर लेती हूँ और यहीं पर मैं वो डाल दूँगी, पानी डाल दूँगी। पानी डाल लिया है अंदर करके और अभी सरफ भी डाल दिया है और अभी इसमें कपड़े और जो होंगे उन सबको डाल करके और मशीन में भर दूँगी चाबी। अभी थोड़ा सा पानी ना मुझे कम लग रहा था तो फिर मैंने और पानी डाला है, मैंने कहा थोड़ा सा और डालते हैं। अभी इसका ढक्कन लगा दूँगी अच्छे से और बंद कर दूँगी, फिर मैं मशीन को चला दूँगी, चाबी भर दूँगी और कपड़े धुलते रहेंगे और फिर बाद में ना यहीं से आराम से निकाल करके और इनको धुल लूँगी, पानी में निकाल लूँगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है कि मैं पूरी भीग चुकी हूँ पसीने में, पूरी की पूरी, पता नहीं क्यों इतनी गर्मी हो रखी है, क्या है क्या नहीं है। और अभी मैं सोच रही हूँ कि धूप निकल आए तो मैं अपने दो तीन काम हैं धूप वाले वो ख़त्म कर लूँ, फिर आगे आगे ना धूप भी बहुत स्लो होती चली जाएगी, फिर नहीं हो पाएगा। तो अभी देखते हैं, जब भी धूप निकलेगी, जब अपने ये दो तीन काम हैं उनको ख़त्म करेंगे। और मैं आ गई हूँ नहा करके, पूरा काम ख़त्म हो गया है, तो मैंने ले लिया है खाना आपके लिए और अपने लिए। आप सब भी आ जाइए, खाने में भुजी है, रोटी है, लस्सी है, ये सारी चीज़ें खाते हैं, खाना खाते हैं और इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।